वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मेंगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो 5/5 है। मूजू को पूछता है, तुमने मुझे आज ए मास्टर रिकॉग्नाइज किया? चू बोलता है, तुम क्यों चाहते हो मैं तुम्हें आज ए मास्टर रिकॉग्नाइज करूं? मेरे मास्टर का दिल दुनिया के सारे लोगों के लिए है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में केयर कर रहे हो? तू बोलता है, क्योंकि अगर तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मैं तुम्हें हेल से निकाल पाऊंगा। इस बार मैं तुम्हें ज्यादा वैल्यू देना चाहता हूँ। तू उसके क्लोज जाके बोलता है, तुम मुझे ज्यादा वैल्यू देना चाहते हो तो फिर मुझे बताओ तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना जगह है। वो पूछता है, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मास्टर और डिसाइपल के बीच का रिश्ता एक फादर और सन की तरह होता है। तुम मेरे एक लौते डिसाइपल हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा केयर करता हूँ। मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता फादर एंड सन की तरह है। ये सुनके चू गुस्सा हो जाता है। वो मुंह के करीब जाके उसे बेड में पुश करता है और उसका एक हाथ को ब्रेसलेट से बांध देता है। मुंह गुस्सा से बोलता है, तुमने मुझे बेड में ट्रैप क्यों किया है? मुझे ब्रेसलेट से अनटाई करो। चू बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मास्टर के बारे में ऐसे बोलने का? मुंह उसका हाथ को रिजेक्ट करके बोलता है, मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ। मुंह बोलता है, अगर तुम मेरे मास्टर हो तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर तुम सही बोले तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चू उससे पूछता है, तुम्हें मेरे और मास्टर का रिलेशन के बारे में क्या लगता है? मुंह बोलता है, एक बाप और बेटे का रिलेशन की तरह। तू हंसते हुए बोलता है, तुम कुछ भी समझ नहीं पाए, तुमने गलत आंसर दिया, अब मैं तुम्हें कैसे पनिश करूंगा? मुंह बोलता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? अगर मास्टर और डिसाइपल के बीच में ऐसे रिलेशनशिप नहीं है तो तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? जू बोलता है, तुम खुद क्यों नहीं फील करते हो? और उसका ड्रेस खोल देता है। मुंह शॉक में पड़ जाता है, तभी बाहर से कुछ साउंड सुनाई देता है, इसीलिए मुंह उसे बोलता है, मुझे जाने दो। इस बार जू उसे रिलीज कर देता है। मुंह उसे बोलता है, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत किया तो मुझे ब्लेम मत करना रूड बिहेवियर के लिए। तू और मुंह देखते हैं कि बाहर में भाई लेंटेन पकड़ के कहीं जा रहा है। दोनों उसे फॉलो करते हैं पर वो कहीं डिसअपीयर हो जाता है। नो विलेजर्स के घर के अंदर छानबीन करते हैं पर उन्हें किसी भी घर में एक पर्सन दिखाई नहीं देता है, जबकि उन दोनों ने विलेजर्स को घर घुसते हुए देखा था। विलेजर्स का घर में फूड आइटम, बेड या दूसरा सामान कुछ नहीं है। घर देख के लगता है वहाँ पे कोई नहीं रहता है सालों से। तभी उन्हें वही ड्यूमन का एनर्जी फील होता है जिसने पहले उन पे अटैक किया था। दोनों एनर्जी का पीछा करते करते विलेज श्राइन पे पहुँचते हैं। श्राइन के अंदर जाके दोनों देखते हैं वो ड्यूमन कफन में पड़ा है। वहाँ पे मुंह बाई का लेंटन देखता है। उसे लगता है बाई यहाँ पे आया था। चू उसे मारना चाहता है पर मुंह उसे रोक देता है। उन दोनों का साउंड सुन के वो ड्यूमन जाग जाता है। वो ड्यूमन उन पे अटैक करता है। चू उस पे हमला करने ही वाला था पर मुंह उसे रोक देता है। मुंह उस ड्यूमन के पास जाके प्योर हार्ट सोल आर्ट यूज करता है ताकि उसे इस विलेज के बारे में उससे पता चल सके। तभी बाई वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, ये प्योर सोल आर्ट बस मुंह ही जानता है, क्या वो सच में मुंह कुंजी है? मुंह एक स्पेल चांट करता है
उस ड्यूमन पे, वो ड्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। उसका नाम है नान। वो पहले बाई का डिसाइपल हुआ करता था। मू नान को पूछता है, यहाँ पे क्या हुआ था, तुम ड्यूमन कैसे बन गए? नान बोलता है, मैं अपना लवर को ढूंढ रहा हूँ। तभी बाई उसे पुकारती है। उसे देख के नान बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया बाई। पर तुरंत ही उस पे ड्यूमन हावी होने लगता है। बाई उसके पास जाने लगता है, पर चू उसे रोक देता है, क्योंकि वो ड्यूमन बाई को मार सकता है। और बाई इकलौती पर्सन है जिसे ट्रेजर के बारे में पता है। बाई बोलती है, मुझे जाने दो, मैं 10 साल से उसका इंतजार कर रही हूँ। उसने मेरा नाम पुकारा, वो अभी ठीक है। नान बोलता है, उसके बात सुनो, मेरे करीब मत आओ। इसके बाद वो फिर से पोजेस्ट हो जाता है और मुंह की तरफ अटैक करता है। मुंह उसे रोक देता है और मुंह को वहाँ से निकाल के सेफ जगह पे ले जाता है। चू उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट लगा है क्या? मुंह नहीं बोलता है। तभी बाई उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम्हें प्योर हार्ट आर्ट के बारे में पता है। चू उसे धक्का दे के बोलता है, तुम्हें किसने अलाउ किया मुंह को टच करने के लिए? बाई रोते हुए बोलता है, मैं 10 सालों तक वेट कर रहा हूँ, तुम ही हो जो नान को बचा सकते हो, प्लीज उसे बचा लो। मू भी उसे बचाना चाहता है, पर उसका बॉडी में अब स्ट्रेंथ नहीं है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। चू बोलता है, ये तुम्हारा काम है, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। नान कम्प्लीटली ड्यूमन बन जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे बाई भी जाता है। नान से फाइट करने के दौरान मू का स्ट्रेंथ कम हो गया है, इसीलिए चू उसे अपना स्ट्रेंथ देता है। चू उसे बोलता है, तुम अभी वीक हो, हमें वापस चलना चाहिए। दोनों वापस जाने लगते हैं। रास्ते में चू बोलता है, बाई और नान लवर्स है, ये कितना इंटरेस्टिंग बात है। मू बोलता है, पर मुझे ये सब अजीब लग रहा है। चू से पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्या तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो दोनों का लव? मू बोलता है, ऐसा नहीं है, पर मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है कि दो लड़कों का बीच में भी फीलिंग्स हो सकता है। चू उसे बोलता है, अब से तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। मू शोक में बोलता है, मुझे क्यों इस सब के बारे में सोचना है? चू बोलता है, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। मू मन में सोचता है, इससे चू का क्या मतलब है? तभी अचानक से सूरज निकलता है और घर से विलेजर्स निकलते हैं। ये सब देख के मू और चू शॉक में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर घर चेक करके पता किया था कि घर में कोई नहीं है। वो लोग वहाँ पे सेम पर्सन को देखते हैं। मू उस आदमी के पास जाता है। चू उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम वहाँ पे अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मू मन में सोचता है, आखिर चू उसके साथ क्यों क्लोज रहना चाह रहा है? दोनों साथ में उस पर्सन के पास जाते हैं। मू उसे पूछता है, कल मैंने आपको विलेज के बारे में पूछा था। वो विलेजर बोलता है, आप जोक क्यों कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे कभी भी आउटसाइडर को नहीं देखा है। मू उसे पूछता है, क्या आपको पता है आपने कल क्या किया था? वो विलेजर बोलता है, आज विलेजर मैं हर दिन चिकन को खाना देता हूँ, फिर अंधेरा होने से मैं वेस्ट करने चला जाता हूँ। वो विलेजर को कुछ पता नहीं है, उसे बस एक दिन का मेमोरी याद है।
तभी भाई उन दोनों के पास जाता है और बोलता है, तुम दोनों मेरे साथ श्राइन चलो, वहाँ पे मैं तुम दोनों का डाउट क्लियर कर दूंगा। तुम्हें जो जानना है तुम्हें वहाँ चल के सब पता चल जाएगा। वो दोनों भाई के साथ श्राइन पहुँचते हैं। वहाँ पे भाई उन्हें नान का कफन दिखाता है। भाई बोलता है, नान दिन के समय सोता है और जब अंधेरा हो जाता है वो जाग जाता है। वहाँ पे खाली नान का कफन नहीं था बल्कि सब विलेजर्स का कफन है। इसका मतलब बाहर जितने भी विलेजर्स हैं, वो लोग सब मर चुके हैं। वो पूछता है, बाहर जो विलेजर्स हैं, क्या वो सब बस इल्यूजन है? भाई बोलता है, वो लोग इल्यूजन नहीं है बल्कि विलेजर्स का सोल है और उन लोगों के पास बस एक दिन का मेमोरी है जिसे वो लोग हर दिन रिपीट करते हैं। ये मेमोरी वही 10 साल पहले का है जब मॉन्स्टर ने उन पे अटैक किया था, तब नान भी मॉन्स्टर के हाथों मारा गया था, इसीलिए भाई ने उसे फिर से जिंदा किया था। तू पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? भाई बोलता है, 15 साल पहले वो तियान विलेज में रहता था, वहाँ पे वो मैन को पसंद करने लग गया था। विलेजर्स को ये बात पता चल जाता है, वो लोग उसे अपोज करने लगते हैं उन दोनों का रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि वो दोनों लड़के थे। तब नान को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई आज मास्टर रिजाइन कर देता है और विलेज छोड़ देता है। चू गुस्से से बोलता है, दो लड़कों का प्यार में पड़ना विलेजर्स को अपोज नहीं करना चाहिए, अगर मैं होता तो अपोज करने वालों को मार देता। वो बोलता है, तुम ऐसे नॉनसेंस बातें मत करो, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो मन में सोचता है, चू इससे गुस्सा क्यों हो रहा है? यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।